Children, today I will teach you basics of grammar. लेकिन रुको, basics of grammar से पहले हमें grammar का meaning जानना चाहिए. जी हाँ, grammar का भी meaning है बच्चों. Grammar जो है वो एक Greek word grammatic के technique से originate हुआ है. Greek word, यूनानी जो शब्द है, जिसका meaning क्या होता है? Grammatic के technique का art of letter, यानी अक्षरों की कला. है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? अब आपको मैं दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ. जिस तरह से साइंस में फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ डिफरेंट ज्योग्राफी, व्हाटएवर दीस थिंग्स आर, इन सिमिलर वे ग्रामर के भी फादर हैं, पता है आपको? और ग्रामर के जनक कौन है? द फादर ऑफ ग्रामर इज लिंडले मोरे. लिंडले मोरे जो थे वो एक्चुअली न्यूयॉर्क में एज अ लॉ प्रैक्टिस करते थे, बट लेटर ऑन ही बिकेम द फेमस ग्रामरियन. So this is the new interesting facts about grammar and father of grammar. Dear children, आज हम start करेंगे parts of speech से. Parts of speech का meaning क्या है? Speech क्या होता है? भाषण. Parts of speech means भाषण के अंग. Means जब हम बोलते हैं तो एक sentence में different different parts आते हैं. तो part of speech का जो है वो definition क्या है? It's a class of words. पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्दों का एक वर्ग है. एक सेंटेंस में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्ड आते हैं एंड दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू ए फंक्शन. द एक्ट दे प्ले इन अ सेंटेंस अकॉर्डिंगली दे आर गिवन द नेम. एक सेंटेंस में जिस तरह से वो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दिया जाता है. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताती हूँ. देखो, जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो आप वहां पे एज अ स्टूडेंट काम करते हैं. आप फिर घर आते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, आप क्या होते हैं? आप उनके सन या डॉटर होते हैं. आप अपने ब्रदर या सिस्टर के लिए आपका रोल हो गया एज अ ब्रदर या फिर सिस्टर. इन द सेम वे अंकल यानी चाचा, ताऊ, जो भी है इस तरह से. लेकिन आप कितने हैं? आप तो एक ही है. बट सोसाइटी के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जब आप जाते हैं, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो फंक्शन है, वो चेंज हो जाता है. और जैसे ही सोसाइटी में हमारा रोल चेंज हो जाता है, अकॉर्डिंगली वी आर कॉल्ड विद द कंसर्न्ड नेम्स. समझ आया? तो इसी तरह से मैं आपको बताना चाह रही थी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी जो शब्द है, जो वर्ड्स है, वो जिस तरह का काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग का नाम होता है. तो ओके, अब मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक एनालॉग से मैं आपको समझाऊंगी. हम यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच को एक फैमिली का नाम देते हैं. ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच को मैंने क्या बोला? दिस इज अ फैमिली. तो हमारे इस परिवार का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच. ये है हमारा परिवार. इस परिवार में आपको क्या लगता है कितने मेंबर्स हैं? आप बोलेंगे 8, लेकिन यू आर रॉन्ग. क्यों? क्योंकि बेटा 8 नहीं, 9 मेंबर्स हैं. इन मॉडर्न इंग्लिश वन मोर मेंबर इज एडेड टू दिस फैमिली पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड व्हिच इज दैट सॉरी 9th मेंबर दैट इज डिटरमिनर्स. ओके, सो नाउ वन बाय वन आई विल कीप टेलिंग यू अबाउट ऑल द मेंबर्स नेम. सो इन दिस कैटेगरी फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन. नाउन क्या होता है बच्चे? नाउन जैसे कि सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, इट इज नेमिंग वर्ड्स. एक्चुअली क्या है, जैसे हमारे घर में दो दो नाम होते हैं, एक हमारा फॉर्मल नेम होता है, एक हमारा निक नेम होता है. तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं है, इनके भी सेम है. जब मैंने फैमिली बोला है तो दो दो नाम होंगे ही, है ना? तो नाउन जो है उसको नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं. नेमिंग वर्ड किसी भी थिंग, पर्सन, स्टेज एंड प्लेस, इसका जो भी नाम है. क्योंकि इस संसार में, इस यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं, ह्यूमन बीइंग ने उनके नाम रखे हैं. तो विदाउट नेम तो कोई भी चीज नहीं है. तो इसलिए जितने भी इन सब चीजों के नाम हैं वो सारे आते हैं नाउन की कैटेगरी में. ओके, बाद में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. नाउ सेकेंड जो है वो है प्रोनाउन. प्रोनाउन को हम बेटा सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड्स भी बोलते हैं. सब्स्टिट्यूटिंग क्यों? क्योंकि जो प्रोनाउन है उसमें क्या है? प्रो प्लस नाउन, मींस इट रिप्लेसेस नाउन. इट कम्स इन एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड. यानी नाउन की जगह पर जो यूज होता है. तो ये कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, दे, यू, मी, माइन, all are these one. ठीक है, now come to the third one, that is adjective.
एडजेक्टिव्स का भी क्या है, विशेषण, हिंदी में जिसको बोला जाता है विशेषण, और ये क्या होते हैं, इनको भी क्वालिफाइंग वर्ड बोला जाता है। क्वालिफाइंग वर्ड्स क्यों, क्योंकि ये नाउन और नाउन फ्रेज की विशेषता बताते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं। तो एडजेक्टिव जो है दे एड समथिंग टू द नेम नाउन और नाउन फ्रेज, तो इसलिए इसको बोला एडजेक्टिव्स और क्वालिफाइंग वर्ड। फोर्थ नंबर पे आता है वर्ब। बेटा वर्ब जो है वो हमारे इस फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर है, इसके बिना हम एक फैमिली को मीन्स इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये इतना इम्पोर्टेंट है तो वर्ब के ऊपर मैं एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वर्ब्स एक बहुत ही हमारा लेंथी जो है और बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो वर्ब का भी कोई नाम होगा, एक्शन वर्ड बोलते हैं, है ना, मीन्स जिसमें पता चले कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी है वो सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, ठीक है, जैसे सिंग, टेक बाथ लाइक दिस वन, रीड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये एक्शन वर्ड्स है, लेकिन इसको सिर्फ एक्शन वर्ड कहना भी गलत है, वो मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। ये स्टेट के ऊपर भी जाता है, इसका स्टेट यानी कोई स्टेट यहाँ पे राज्य नहीं है, स्टेट का मीनिंग है मीन्स कोई परिस्थिति, ठीक है, सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होता है। तो लेकिन बेसिकली नाउ यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इट इज एक्शन वर्ड। तो नेक्स्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच का जो मेंबर है दैट इज एडवर्ब। एडवर्ब जो है दैट इज कंसिस्टेड ऑफ टू वर्ड्स, एडवर्ब एड प्लस वर्ब इक्वल टू एडवर्ब। तो एडवर्ब जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड मॉडिफाइंग वर्ड। मॉडिफाइंग जस्ट लाइक जैसे कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन या नाउन फ्रेज के मीनिंग में कुछ ऐड करता है, उसकी सब्जेक्ट की कुछ विशेषता बताता है, इसी तरह से जो एडवर्ब है वो किस किस की विशेषता बताता है। देखो एड से क्या बना, एड से बना एडजेक्टिव, देन इससे दूसरा बना एडवर्ब इटसेल्फ, देन द नेक्स्ट वन जो है वर्ब, तो वर्ब की विशेषता बताएगा। तो मैंने क्या है, एडवर्ब वो वर्ड है जो एडजेक्टिव खुद एडवर्ब और वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है। इसमें नॉर्मली क्या होता है, हाउ एन एक्शन इज बीइंग डन, काम कैसे होता है, जैसे बोलते हैं क्विकली फास्टली, कैसे बोलते हैं लाउडली बोलते हैं, तो इसमें ऑलमोस्ट जो है द मैनर द मोड ऑफ वर्क इज इंक्लूडेड, ओके। सो ये है एडवर्ब। इस पे भी मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक और इसको अक्सर जो है बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ब, दैट वन इज प्रीपोजिशन। तो हमेशा बच्चों किसी भी टॉपिक को जानने से पहले ना उसके वर्ड्स को ब्रेक करके उसका ओरिजिन जो है वो पता करें। तो इसको हम बोलते हैं गवर्निंग वर्ड। गवर्निंग वर्ड इसको क्यों बोला, एक तो प्रीपोजिशन, प्री प्लस पोजिशन, क्या बना प्री प्लस पोजिशन, प्री प्लस पोजिशन बिकम्स प्रीपोजिशन। तो मीनिंग क्या है, यहाँ पे मीनिंग बना कि ये एक ऐसा गवर्निंग वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, प्री पहले आता है, प्री का मीनिंग बिफोर, तो इसीलिए इसको गवर्निंग वर्ड बोला है, बिकॉज इट गवर्न्स नाउन और प्रोनाउन, मीनिंग इट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। तो ये हमेशा उससे पहले आता है, प्री पोजिशन, इट टेक्स इट्स पोजिशन प्रायर टू नाउन एंड प्रोनाउन, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, कंजंक्शन। ओके, कंजंक्शन पढ़ाते हुए मुझे हमेशा, मैं रेलवे जंक्शन का जरूर एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे रेलवे जंक्शन होता है, आपको पता है बच्चों एशिया का सबसे बड़ा जंक्शन रेलवे जंक्शन का है, रेवाड़ी को माना जाता है, दैट इज हरियाणा। तो यहाँ पे क्या होता है, जंक्शन क्या होता है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन या स्टेट की जो ट्रेन्स हैं, रेलवेज हैं, वो आके एक्सचेंज होती है। तो ये एक जंक्शन मीन्स, इसको हम क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग वर्ड्स। तो जिस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो रेल रोड्स हैं वो आके कनेक्ट करते हैं डिफरेंट स्टेट्स को, इन अ सिमिलर वे कंजंक्शन जो है वो भी डिफरेंट वर्ड टू वर्ड्स या फ्रेजेस ये सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। तो इसलिए इसको बोला कंजंक्शन, कनेक्टिंग वर्ड, जोड़ने वाले शब्द, शब्दों को जोड़ सकते हैं, शब्दों के समूह को जोड़ सकते हैं, और दे कैन ऑल्सो कनेक्टेड टू सेंटेंसेस और क्लोजेस, ओके। Now, come to the next one, interjection. क्या होता है इंटरजेक्शन,
क्या बोला जाता है? एक्सक्लेमेटरी वर्ड। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है हिंदी में? आप बोलते हैं विस्मयबोधक शब्द। विस्मयबोधक शब्द कौन से होते हैं? विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग। जब हम किसी चीज को देखते हैं, सपोज करो हम रास्ते में जा रहे हैं, हम एक गार्डन के पास से निकले एंड वी जस्ट हमने एक बहुत ही सुंदर सा फूल देखा, तो एकदम से सडन फीलिंग आती है। उस फीलिंग के बारे में हम प्रायरली सोचते नहीं है कि हमें ये बोलना है, अचानक वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। तो ये वाव जो है इट्स अ फीलिंग ऑफ वंडर, हैप्पीनेस, स्माइलिंग, जो एक तरह से वो आता है। तो इसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। इसमें और कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? हुर्रा, वी हैव वन द मैच, कि हम मैच जीत गए, है ना। इसी तरह से वेल डन, एक कॉमन वर्ड जो हम डेली बोलते हैं, हेलो। तो हेलो क्या है? हेलो भी हमारा इंटरजेक्शन है। ओके, तो यहां तक तो शायद आपने सुना होगा कि ये इस पार्ट ऑफ स्पीच के 8 मेन मेंबर्स हैं। बट एज आई टोल्ड यू, वन मोर मेंबर इज एडेड टू दिस कैटेगरी, और उस 9वें मेंबर का नाम है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स को जो है वो फिक्सिंग वर्ड भी कहा जाता है। फिक्सिंग वर्ड्स जो किसी चीज का, किसी वर्ड का स्पेस को फिक्स करते हैं। तो जस्ट लाइक द प्रीपोजिशन, डिटरमिनर्स जो है वो भी नाउन से पहले अपनी पोजीशन को फिक्स करते हैं, लेकिन उसका फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्रीपोजिशन। तो ये मैंने आपको इस फैमिली के 9 मेंबर से मैंने आपको रूबरू करा। तो मुझे आशा है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, और आपको सारे हमारे जो पार्ट ऑफ स्पीच है इस फैमिली के 9 मेंबर्स के बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे। थैंक यू।